हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ शमशी महादेव के मंदिर, क्योंकि मैंने जो है घर से थोड़ा सामान लाया है, कुछ दूध वगैरह, और थोड़ा हम लेंगे नीचे प्रसाद वगैरह, और उसके बाद जाएंगे हम मंदिर को। तो यूँ ही बने रहें मेरे ब्लॉग में और साथ में इंजॉय करें मेरे ब्लॉग को। यहाँ से जो है हम प्रसाद लेंगे और जाएंगे सीधा यहाँ वाले गेट से। ऊपर को पहले वाला गेट भी दिखाओ मेरे ब्लॉग में और ये वाला भी दिखाओ, तो रास्ता में नहीं दिखाऊंगी, सीधे चलेंगे हम। चुके हैं और ये बताएंगे हमें सारा, मतलब चित्राले के बारे में बताएंगे आप हमारे को, क्यों मनाया जा रहा, मतलब कितनी साल के बाद मनाया जाता। तीन साल के बाद मनाया जाते हैं ना। तीन, थोड़ा जोर से बोलेंगे। 12 साल लोगों पर डिपेंड है, जैसे लोग चाहे साल के बाद मिल सकते हैं। अच्छा, वैसे आधी काल से 3 साल का इसका प्रसाद, 3 साल बाद निकलेगा निकल। अच्छा अच्छा, फिर मतलब कितनी कहाँ कहाँ पे, कितनी जगहों पे होता है? सबसे पहले जाएगा धोगी, धोगी धार, धोगी 3 दिन मेला वहाँ धोगी में होगा, देवता रहेगा 7 दिन में। अच्छा, वो एक मेला लगेगा पर 11 दिन, उसके बाद जाएगा देवता काना, काना में मेला होगा। अच्छा, जाएगा देवती पंचायत में, दूर घूमेगा पूरे इलाके में, कुटवा धोगी। अच्छा अच्छा, कितने टाइम तक होता है, मतलब इसको मनाने का वो क्या है मेन मकसद, क्यों मनाया जाता है, किस खुशी में? जो 12 पंचायत है हमारी, ज्यादा शिव क्षेत्र में, जैसे महादेव है दक्षिणेश्वर महादेव, वैसे मंदिर मिलेंगे आपको कम में, ये मंदिर मिलेगा आपको काशी विश्व, जैसे बन है तिब्बन है वो जो मंदिर है, जैसे ब्लास में बिलन में ये जो मंदिर है, ये पूर्व दिशा के लिए है, उत्तराखंड के लिए, केवल हमारा देवता शमशी महादेव दक्षिणेश्वर वहाँ है, इसकी योनि जो पश्चिम दिशा की है, बाकी देवताओं की योनि होगी उत्तर दिशा की, इसका इसका महत्व ज्यादा है महादेव। अच्छा, जो ये मेले लगते हैं ये अपने इलाके को कवर करने के लिए, ताकि कोई दूसरा देवता। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कैसे अभी क्यों हो रहा है इतनी सालों के बाद? बीच में थोड़ा ये यज्ञ हुआ ना भागवत। अच्छा अच्छा, प्राण इसी थोड़ा व्यस्त रहा देवता। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है फिर, थैंक यू। तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि किस लिए जो है महादेव जी का चित्राला मनाया जाता है। तो जो ये दादाजी है, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छे विचार, बहुत ही अच्छा नॉलेज मतलब मिला हमें, और हमारे को ये पता भी नहीं था कि ये ऐसे ऐसे मनाया जाता है। तो उनका बहुत बहुत थैंक यू, और आप लोगों को भी पता लग गया होगा। तो आप सभी भी चित्राले का खूब आनंद उठाएं और चित्राले में ज़रूर जाएं। मेरे इलाके में तो मतलब धोगी में मेरे वहाँ चित्राला हो जाता है, और आपके एरिया में जहाँ भी आता है मतलब ज़रूर जाएं, महादेव जी की का आशीर्वाद लें ज़रूर। दोस्त हमारा दोस्त सका दोस्त हम आ गया, बोला यार सुधाम पहले कमाना पड़ता है,
फिर दिया जाता दान, पहले शारीरिक कर्म करना पड़ता है उसके बाद दान दिया जाता है, यानी आपने दिया मैंने किसी और को दिया, उन्हें तो दान दिया। जैसे वेद व्यास बैठा है, गुरु बैठा है ना, ये शारीरिक कर्म नहीं किया, पैसा आ रहा है ज्ञान बेच दिया, फिर वो उस दान को ट्रस्ट में दे रहा है, उसको ज्ञान निकाल दिया। यहाँ बोला कृष्ण बोला उदो हो रहा है, यानी उदो हम आ गया, सुदाम भाग गया, कृष्ण हो गया परेशान, कई यत्न किए कृष्ण ने, नाट खुल गया पीछे, कई यत्न किए भाग गया वो, हाँ पता तो था भाग गया, पर कई यत्न किए कृष्ण वापस नहीं आया। राम ने बोला जिस अवस्था में मेरे को अवस्था में छोड़ो, मैं तेरी सहायता नहीं है, कृष्ण तेरी सहायता नहीं, मेरे को छोड़ो जिस अवस्था में उसी बस जैसा है वैसा ही वैसा चलो, और दुख उसको भारी वाले को। तो फिर कृष्ण ने सोचा तो मेरा ये सुदामा नाराज हो गया, उदो को कैसे बोला काम होता है, कृष्ण बोला ये काम कर, मेरा ये चिट्ठी जो है वृंदावन पर जा रही गोपी के पास, गोपी के पास गोपी के पास में जा रही थी, लगता है रूद हो गया वृंदावन, वृंदावन जब सब गोपियाँ कट हुई ना, वो बोलती कि मेरा नाम भी लिखा है सर, मेरा नाम भी लिखा, सब यहाँ से रो रही वो कृष्ण, मेरा वो थी अनपढ़ ना, मेरा नाम भी लिखा, मेरा नाम भी लिखा है, वो चिट्ठी जो दे हार बोल कर दी, उसमें कुछ रखा नहीं, रूद हो गया परेशान, वो लगा ज्ञान देने, बोले पोती कोई अपने पास रख, बोला ये पोती अपने ज्ञान रख अपने पास, वहाँ कहा कृष्ण भगवान की क्या है सबसे बड़ी चीज़ है प्रेम, आज भी लगा भाई वृंदावन भजन कीर्तन हो रहे, पता नहीं वहाँ के लोग ही कुछ और टाइप के नमस्ते कृष्ण भगवान मंदिर में आए भी करने बड़े है, चाचा पाँच पाँच उम्र के ही हो रही है, लेकिन बड़ी बड़ी मूर्ति रखी है और भजन हो रहे दिल्ली, वो ये पता लगता है इनका आने के की मंदिर है, ये पता लगता है वृंदावन में आज भी है निधि बने वहाँ, तो हर रोज मैं हाँ सुना है निधि बने ना, हाँ रात रात को आता होता जो रात ग्यारह नाटक में तो श्री कृष्ण तो सच में रात को नहीं आता किसी को ना देखने तो वो एक बार टीका तो आज भी रास होता है कहते वो पुजारी नहीं वो आता वो देखने पता लगे वहाँ देखे सत्य मान लगा लोग है पूजे ना पंद्रह तेज आसन डेली लाखों लोग है जब बांके बिहार मंदिर है तो वहाँ दस वो कहने शाम पूरे दिन भी चाहे दिनों को तोड़ पूजा के टाइम वहाँ है लोग बनाना है ना कृष्ण।